subscribe exam tutor lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to exam tutor lectures. This is part 5 of chapter 1, class 11 NCERT, some basic concepts of chemistry. We will cover few topics like uncertainty in measurement. Then we will get to know about scientific notation, what exactly it is, aur ye kaise easy karta hai hamari calculations ko. And at last, we will do few calculations of multiplication, division, addition and subtraction. So, sabse pehle, hum jo topic kar rahe hain, that is uncertainty in measurement. Uncertainty word se hi pata lag raha hai that something is not certain. Kya hota hai, jab hum badi badi calculations laboratory mein karte hain, experiments karte hain, to kahin na kahin zaruri nahi, jaise aapka koi bhi value aata hai calculation karke, wo bilkul hi एक्यूरेट हो, उसमें प्लस माइनस के चांसेस होते हैं. एंड ये होता है बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, जैसे एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, अगर हम कई बार इम्प्योर होते हैं, छोटी सी छोटी एक तिनका भर भी इम्प्योरिटी जो है वो आपकी कैलकुलेशंस को ऊपर नीचे कर दे. रेफरेंस स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने कुछ यूनिट्स पिछले वीडियो में देखे थे, किलोग्राम के बारे में जाना, मास एंड वेट की हमने बात की थी. Then about the temperature we saw, हम कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं, अगर हम थर्मोमीटर से करते हैं, उसमें भी प्लस माइनस पॉइंट्स में हम कहते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है. सेम गोज विद द वेट एज वेल, आप किसी चीज का वेट करते हैं, जैसे दालों का वेट होता है, तो उसमें भी पॉइंट्स में इधर उधर हो सकता है. आपका खुद का ही वेट जो है, अगर आप डिजिटल वेइंग मशीन में खड़े हो या फिर मैनुअल में, तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका डाटा एकदम एक्यूरेट नहीं आता. रेफरेंस स्टैंडर्ड, जैसे कि नाम से ही है कि स्टैंडर्ड क्या है, कि एकदम एक्यूरेट चीज है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका कितना सही है कितना गलत. केमिस्ट्री टर्म में कोई मटेरियल जिसमें प्रिसाइसली आपको पता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी कि सपोज कितने एटम्स हैं या फिर कितने मॉलिक्यूल्स, आपको प्रिसाइसली एकदम पता है, बहुत अच्छे से कुछ एक्सपेरिमेंट होके, बिल्कुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान करके अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया और प्रिसाइसली आपने देखा कि इस पर्टिकुलर मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो वो एक स्टैंडर्ड जो है, इट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस जो हम यूज कर सकते हैं इन डिटरमिन अननोन कॉन्सेंट्रेशन को. So scientists, they have agreed on reference standard that make it possible to calibrate all the measuring devices. All devices, जैसे कि meter sticks है या analytical balances जो हैं, ये calibrate होके आते हैं by the manufacturer to give the correct readings. ये जितने भी हम devices use करते हैं, even the weighing machine जो हम use करते हैं आम घर में या hospitals में जो होती हैं, उनको standardize किया जाता है या calibrate किया जाता है against some रेफरेंस. एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मास स्टैंडर्ड है, सिंस 1889 जो मास स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, दैट इज किलोग्राम. अब ये क्या चीज है मास स्टैंडर्ड, मतलब मास का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, किलोग्राम. तो रेफरेंस क्या है मास के लिए, दैट इज किलोग्राम. अब ये किलोग्राम क्या है, इट हैज बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन द एयर टाइट जार एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स फ्रांस. प्लेटिनम इरिडियम को ही क्यों चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड, बिकॉज ये हाईली रेजिस्टेंट है टू द केमिकल अटैक एंड इट्स मास विल नॉट चेंज फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम. देयर कैन बी केमिकल रिएक्शंस ऑफ द मटेरियल एंड दे आर वेरी रेजिस्टेंट. प्लेटिनम इरिडियम, इनमें इतना केमिकल रिएक्शन नहीं होता, रेडियो एक्टिविटी नहीं होती, दैट इज वाई प्लेटिनम इरिडियम हैज बीन चोजन as a mass standard. Although research is still going on and scientists they are in search of a new standard of mass. Similarly, meter क्या है? Meter का mass standard में जो platinum iridium का एक bar, उसके बीच में कोई दो marking है, उसके बीच का length जो है, that was referred to as a meter standard. And this bar was kept at 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन. 1960 में द लेंथ ऑफ द मीटर वाज डिफाइंड एज, अब आप ये वैल्यू देखिए, 1.6507637 × 10⁻⁶ टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड
by क्रिप्टॉन लेजर. सो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 1.650763 ये कितना बड़ा वैल्यू है. सो ये 1960 की बात है. अगेन 1983 में लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ. सो ये कितना बड़ा वैल्यू है. सो लेकिन अगेन 1983 में ये रीडिफाइन हुआ एंड इसको बोला गया एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड. सिमिलर टू द लेंथ एंड द मास देर आर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल. सो हमने यहाँ पे मास की बात की और मीटर की बात. कई बार जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या न्यूमेरिकल करते हैं तो वैल्यूज बहुत बड़ी आती है. सो फॉर दैट साइंटिफिक नोटेशन जो पता होनी चाहिए. ये साइंटिफिक नोटेशन से आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है. इसमें हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में किसी वैल्यू को लिखते हैं. जैसे कि केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि जिनके मासेस बहुत ही छोटे छोटे होते हैं एंड वो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स में है. ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर है. ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4. हाँ, इसमें 100 नंबर के एटम्स हैं, 100 एटम्स हैं या इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. इतने ज्यादा होते हैं कि आप उसे ऐसे काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि केमिस्ट दे हैव टू डील विद नंबर्स वेरी लार्ज. सो ना ही बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर भी हो सकता है, लाइक 0.00001666. सो ऐसी चीजें लिखने के लिए, ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप अगर लिखने बैठो तो आप 0.00000006162 3 फिर 000 लिखते रहो. तो ऐसी चीजें लिखना और फिर उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये काफी कंबसम हो जाता है. सो इसीलिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में लिखना, यानी n इंटू 10^n फॉर्म में लिखना, ये इजी हो जाता है एक केमिस्ट जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए भी. सो केमिस्ट यूज करते हैं दिस साइंटिफिक नोटेशन. प्लैंक कांस्टेंट देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, वो ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे होते हैं. बिकॉज इतने ज्यादा जीरो लिखना जो है उसमें फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन में बहुत प्रॉब्लम होता है. अब यहाँ पे जो ये n है, स्मॉल n जो आप देख रहे हो, इट इज एन एक्सपोनेंट रेज टू द पावर, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, एंड n जो कि नंबर है और डिजिट नंबर है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 232.508 है. इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम फर्स्ट नंबर यानी कि 2 के बाद डेसिमल लगाते हैं एंड बाकी के नंबर्स को ऐसे लिखते हैं. टू मेक इट मोर इजी, हम 232 के बाद पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, एंड जितने डेसिमल्स हम आगे मूव कर रहे टुवर्ड्स द लेफ्ट उतना ही एक्सपोनेंट 10^2 आ जाएगा, उतना ही एक्सपोनेंट यहाँ पे. You want to write it as 1.6, तो 10^5. अब इसमें क्या है, हम डेसिमल को we are moving it towards the right. अब right पे जाने के लिए we add 10^-4. जितने digits इधर. If you want to see कि ये -4 कैसे आया, तो let's see. Already there was 16. आप यहाँ पे लीजिए 1, 2, 3, 4, 5. 10^5 है यहाँ पे. ठीक है, आप कितना चाहते हो कि यहाँ पे 1.6 आए. 1.6 के लिए एक जीरो ऊपर गया, एक डेसिमल जो है दैट इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1.6. अब बचा कितना, जब एक जीरो ऊपर जाके डेसिमल लग गया 1.6, इट इज इंटू 4 बचा है यहाँ पे. एंड 4, जैसे कि आपको पता है कि ये एक्सपोनेंट जब ऊपर जाता है टू द न्यूमरेटर, इट विल बी इन द माइनस वैल्यू. सो इट इज 4. सो इट्स अ सिंपल मैथ्स. सो व्हाइल परफॉर्मिंग मेनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, हम ये साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं. दीज आर द टू ऑपरेशंस, दे फॉलो द सेम रूल्स जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा.
एक में हम टूवर्ड्स द लेफ्ट लेके जा रहे हैं डेसिमल को, एक में टूवर्ड्स द राइट लेके जा रहे हैं. सो लेट्स सी हम मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे. वी हैव दीज टू डिजिट्स 5.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 एंड 6.9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 8. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो द रेस्ट टू द पावर जो होते हैं वो एड होते हैं. ठीक है, सो 5.6 एंड 6.9 इन डिजिट्स को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. रेस टू द पावर यानी कि दीज टू डिजिट्स जो है 10 रेस टू पावर 5 एंड 10 रेस टू पावर 8 इनको हम ऐड कर लेते हैं. जैसे कि सिंपल में अगर आप देखें, आप 100 इंटू 100 कर रहे हैं, सो हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर. देयर विल बी 4 जीरोज. सो हुआ क्या है, दिस वॉज 10 रेस टू पावर 2 एंड दिस वॉज अगेन 10 रेस टू पावर 2. आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 इज 4, सो हेयर अगेन इट इज 10 रेस टू पावर 4. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सपोनेंट होते हैं वो एड होते हैं इन मल्टीप्लीकेशन. सो दिस थिंग हैपेंड हेयर 10 रेस टू पावर 13 एंड 5.6 एंड 6.9 इंटू केम आउट टू बी 38.64. सो हमें 3.8 चाहिए, वी नीड वन डिजिट बिफोर द डेसिमल. सो 3.8 यानी कि वी आर मूविंग डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड वन हियर, दैट इज 10 रेस टू पावर 14 यानी कि वन मोर. इफ यू आर मूविंग दिस डिजिट हियर यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में एक और 10 आ रहा है. जितना डेसिमल होंगे, जितनी डेसिमल वाली डिजिट्स होती हैं उतना 10 डिनोमिनेटर में है. सो एक और 10 आ रहा है, सो वन मोर 10 हियर, 10 रेस टू पावर 14. सिमिलरली देर इज अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे एक्सपोनेंट में माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है, 9.8 इंटू 10 रेस पावर माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6. तो माइनस माइनस आपको पता है वो क्या होते हैं, एड होते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन तो सेम वे होगा, 9.8 इंटू 10 रेस पावर 5. एक्सपोनेंट में माइनस 2 प्लस माइनस 6 जो है, माइनस 2 माइनस 6 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू तो रहेगी ही, तो इट विल बी माइनस 8. सेम वे हम डेसिमल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं 2.4, तो एक और ऐड हो रहा है नीचे 10, तो एक और ऐड होना यानी कि माइनस 8 प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 7. सो ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया. डिविजन में क्या होता है, डिवाइड सेम होगा जिस वे से होता है डिवाइड. ये जो है ये न्यूमिरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है. जब डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है. माइनस 3 माइनस 4 एंड 10 रेस टू पावर यहाँ पे माइनस 3, ये जब 4 ऊपर गया डिनो तो वो माइनस 4 हो गया बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है. तो माइनस 3 माइनस 4 ऐड हो जाएंगे, 4 5 6 7 सिंपल रूल्स हैं मैथ्स के एंड इट विल बी 10 रेस टू पावर माइनस 7. हमें यहाँ पे 4.1 डेसिमल से पहले 4.9, तो इट विल बी 10 रेस टू पावर माइनस. सो दिस वॉज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. नाउ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे कि 6.65 इंटू 10 रेस टू पावर 4 प्लस 8.95 इंटू 10 रेस टू पावर 3, इसको ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन में आपको सिंपल एडिशन के लिए जो एक्सपोनेंट टर्म है वो सेम होनी चाहिए. यानी कि अगर यहाँ 10 रेस पावर 4 है तो आप दूसरे को भी 10 रेस पावर 4 बना दें तो इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आप इजीली 0 0 0 हैं तो यू कैन इजीली ऐड द फर्स्ट नंबर्स, अदरवाइज तो वो आगे पीछे होंगे, नंबर्स इधर उधर होंगे. तो वो बनाने के लिए आपको पता है अगर 10 रेस पावर 3 को आपको 10 रेस पावर 4 बनाना है तो यानी कि यू हैव टू मूव डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, आपने डेसिमल को लेफ्ट में मूव किया, दैट इज 0.895, तो यहाँ पे 10 रेस टू पावर 4 आ गया एंड दैट वे यू कैन ऐड इजीली दीज टू एंड 10 रेस टू पावर 4 और फिर जो एडिशन करके आपका आंसर आया दैट इज 7.545 इंटू 10 रेस टू पावर. इन सिमिलर सब्सट्रैक्शन में भी यही चीज यूज होती है, नंबर्स वैसे ही सब्सट्रैक्ट होंगे, बस आपका एक्सपोनेंट में जो ये टर्म है यानी कि यहाँ माइनस 2 है या माइनस 3 है उसको आपको सेम करना है. जैसे कि यहाँ पे आप इसको माइनस 2 करेंगे तो फॉर माइनस 2 यू हैव टू
मेक इट एज 0.48. एक डेसिमल को हमें लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा, दैट इज 0.48 इंटू 10^-2. And you can easily the two numbers 2.5 minus 0.48 into 10^-2, which is equal to 2.02 into 10^-. So this was very simple rule जो कि हम आगे use करेंगे. हम आगे जो next video में देखेंगे numbers, significant figures क्या होता है, तो आपको और clear होगा कि किस तरह से आप values को लिखें. So जैसे कि हमने सिंपल सी अनसर्टेनिटी के बारे में देखा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.